अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया है कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप देखते हैं हमारे बर्ड्स में एक प्रॉब्लम आती है कि जब हमारा बर्ड जो है अपनी जो मुंडी होती है गर्दन उसको घुमा लेता है, राउंड उनकी मुंडी जो है टर्न हो जाती है और उसको खाने पीने में प्रॉब्लम होती है। तो ये क्यों होता है? जब उसके अंदर विटामिन की जो प्रॉब्लम, विटामिन अगर कम हो गया, उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, प्रॉपर विटामिन नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से उसके अंदर में विटामिन की कमी होने की वजह से क्या होता है, उनकी जो गर्दन है, उनकी जो गर्दन होती है वो टेढ़ी हो जाती है। उसके लिए हमें क्या है, उनको विटामिन देना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे अच्छी है वाइसिनरल करके, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसकी फ़ोटो, ये वाइसिनरल करके आपको अपने जो मेडिकल शॉप है वहाँ पर भी आसानी से मिल जाएंगी। तो ये हमें देना होता है। तो ये वाइसिनरल जो है किस तरीके से हमें देना है, अगर आपका बर्ड छोटा है, 2 या 4 दिन का बर्ड्स है, तो आप उसे 2 ड्रॉप, जिस तरीके से मैंने देखा हुआ है, आपको ये ड्रॉप भी आसानी से अपने घर पर मिल जाएगा। ये जो ड्रॉप है, इस ड्रॉप जैसा कि आप इसको ले ले और 2 बूंद उसके चोंच में उसको डायरेक्ट दे दे, तो इससे क्या होगा कि उनकी जो विटामिन की दवा, ये डेली आपको देना है, एक टाइम देना है, सुबह में या शाम में जो भी आपका टाइम है उस टाइम पर इसको देना होता है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो उसमें जो विटामिन की कमी है अपने बर्ड्स में वो पूरी हो जाएंगी और धीरे धीरे उसकी जो गर्दन टेढ़ी है वो सीधी हो जाएंगी। और एक बात दोस्तों, जब भी अपने बर्ड्स की गर्दन टेढ़ी है तो उसको गर्मी में रखें, यानी कि ठंड में ना रखें। ठंड की वजह से उनको और प्रॉब्लम होती है और वो और डिफ़िकल्ट हो जाता है और उनकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, जैसा कि हम कैसे लकवा कहते हैं, लकवा जैसा हमको हो जाता है ठंड में रहने से और वो बढ़ता है, उसी तरीके से बर्ड्स में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि ठंड की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। तो उनको गर्म में रखें या फिर आप 60 वेट का या 40 वेट का एक बल्ब लगा कर उसको अलग सेपरेट रख दें। और अगर आपके बर्ड्स बड़ा बर्ड्स है, उसकी अगर मुंडी इस तरीके से टेढ़ी हो जाए, तो आप उसी तरीके से आपको उसको गर्म रखें, उसको 60, 70, 40 वेट का एक बल्ब लगा दे और ये 4 से 5 बूंद उसको दे, डेली डेली बेसिस पे उसको देना है हमें 4 से 5 बूंद। उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर की जो विटामिन की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी और वो धीरे धीरे उसकी जो मुंडी है वो 1 से 1.5 महीने के अंदर में ठीक हो जाएंगी। और उसके बाद में अगर आपके पास वेमेरॉल है, जैसा कि मैंने बताया था आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, वेमेरॉल वेरबैक कंपनी की दवा, ये भी उसको 2-3 बूंद 2-4 दिन के बाद उसको देते रहे, इससे भी आपके बर्ड्स में बहुत सारी जल्दी रिकवरी हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये दी हुई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, आप उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए।